नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 19 अगस्त 2019 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक भर्ती काउंसलिंग का द्वितीय चरण आज से आरपीएससी अजमेर। एमएसयू बड़ौदा में निकली 682 पदों पर भर्ती, करे आवेदन। महिलाओं को सुनहरा अवसर, सुपरवाइजर पदों के लिए निकली भर्ती। स्नातक प्रथम व द्वितीय के विद्यार्थियों की सूची जारी, नागौर। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच की तिथियां बढ़ाई। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 कर्मचारी चयन बोर्ड। 2013 से पूर्व प्रोबेशन पूरा करने वाले अध्यापकों का वेतन 1730 रुपये कम, बीकानेर। नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती पर कोर्ट ने कहा, आरक्षित पदों पर प्रदेश के मूल नागरिक की अनिवार्यता सही, जोधपुर हाई कोर्ट। 15,000 आयुर्वेद, होम्योपैथी व यूनानी नर्सेस का भी अब पंजीकरण हो सकेगा, जयपुर। 2 एलडीसी इंटरव्यू में शामिल ही नहीं हुए, फिर भी शिक्षा निदेशालय में मिली पोस्टिंग, बीकानेर। हेड कांस्टेबल से एएसआई बनने के लिए परीक्षा 22 को, बीकानेर। नीट, जिन्हें प्रवेश मिला वे भी परेशान, जिन्हें कॉलेज नहीं मिला वे इंतजार में, हाईकोर्ट में आज सुनवाई, जयपुर। राज्य स्तरीय अवार्ड के लिए जोधपुर के 190 शिक्षकों ने किया आवेदन, जोधपुर। सीटेट के आवेदन आज से, जयपुर। इंदिरा गांधी स्टेडियम में सेना व पुलिस भर्ती की कोचिंग के अभ्यर्थियों की मनमानी, अलवर। कोटा यूनिवर्सिटी में इस साल भी अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी व निर्दलीय के बीच होगा मुकाबला, कोटा विश्वविद्यालय। आरटीयू का नवा कन्वोकेशन आज, 24 स्टूडेंट्स को मिलेंगे गोल्ड मेडल, कोटा। स्कूल सेट करेंगे पेपर, छात्रों की दुविधा खत्म। आईसीएसई 9वीं व 11वीं में नहीं होगी बोर्ड परीक्षा, जयपुर। जेएनयू छात्र संघ चुनाव मतदाता सूचियों का प्रकाशन आज से, मतदान 27 अगस्त को, जोधपुर। शैक्षिक सम्मेलन और शिक्षकों की समस्याओं पर विचार मंथन, बीकानेर। ऑफिस असिस्टेंट पद भर्ती परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर खराब, अभ्यर्थियों की हुई परेशानी, अजमेर। दैनिक भास्कर रोजगार समाचार, आईटीआई की खाली सीटों के लिए आवेदन 21 से, जयपुर। सीटीटी के लिए आवेदन आज से किए भरे जाएंगे, जयपुर। बीएड कॉलेजों में रिपोर्टिंग पूरी, आज से चलेंगी कक्षाएं, जयपुर। रेलवे में जेएन भर्ती की परीक्षा 28 से होगी, अजमेर। एम्स एमबीबीएस की ओपन राउंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 21 तक, कोटा। एजुकेशन भास्कर, युवाओं को फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, अनूप कड़े। संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने व वेतन बढ़ाने की मांग, नागौर। प्रदेश में अब निजी स्कूलों की मनमानी पर कसेगा शिकंजा, नागौर। इंजीनियरिंग के बाद आईटीआई का भी आया खराब दौर, कोटा। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव मतदाता सूचियां आज होगी जारी, जोधपुर। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ जिला कार्यकारिणी की बैठक, जोधपुर। छात्र संघ चुनावों के लिए आज मतदाता सूची का प्रकाशन, अजमेर। 216 हेड कांस्टेबलों तथा 53 कांस्टेबलों का तबादला, अजमेर। दोनों इंजीनियरिंग कॉलेजों में दीक्षांत समारोह आज, विद्यार्थियों को दी जाएंगी डिग्रियां, अजमेर। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।